साथियों नमस्कार। पंचांग देखना सीखे तथा ज्योतिष गणित चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों हमेशा के भांति आज भी मैं आप लोगों के सामने पंचांग के माध्यम से कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके जीवन में बहुत ही फलदायी होगा और बहुत ही लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। आज हम लोग बात करते हैं वधु प्रवेश, दिव्यागमन, और ऐसे लोकल भाषा में लोग गौना भी कहते हैं, उसकी चर्चा करेंगे कि इस पंचांग के माध्यम से हम लोग कैसे देखेंगे। मैं आप लोगों को पूर्व में बताया हूँ वधु प्रवेश या दिव्यागमन के बारे में, वीडियो भी मैं अपलोड किया हूँ, लेकिन उसमें पंचांग में हम कैसे देखते हैं दिव्यागमन मुहूर्त या वधु प्रवेश मुहूर्त, उसकी चर्चा हम पंचांग के माध्यम से और उस मास के तिथि, नक्षत्र इत्यादि का वर्णन करके मैं समझाऊंगा कि कोई नक्षत्र यदि वधु प्रवेश का शुभ नक्षत्र है तो उसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि वो नक्षत्र कब से कब तक गमन कर रहा है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो आए हम लोग उसकी देर न करते हुए उस पेज पर चलते हैं। जैसे पेज है हम लोगों के लिए, पेज है हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग आए पेज नंबर 43, यानी पंचांग के लास्ट पेज है, इस पर हम लोग चलते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो उसमें हम लोगों को मिलेगा, जिसका वर्णन हम आप लोग को करके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए दिव्यागमन मुहूर्त हमको देखना है, तो यहां हम लोग देखें वधु प्रवेश, दिव्यागमन, गौन और या गौना मुहूर्त। तो इस पेज पर हम लोग देखेंगे वैशाख कृष्ण तिथि एकम बुध दिव्यागमन, इस दिन दिव्यागमन किया जा सकता है। दूसरा देखिए वैशाख कृष्ण पक्ष तिथि तृतीया, उस दिन वधु प्रवेश किया जा सकता है। आगे देखें वैशाख कृष्ण यानी कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्थी शुक्रवार दिन है, मूल नक्षत्र है, इसमें वधु प्रवेश किया जा सकता है तथा दिव्यागमन भी किया जा सकता है। यानी हम लोग इस तरह से एक सूचीबद्ध बनाया हुआ है, हर एक पंचांग में रहता है कि, और इसके आगे भी देखेंगे तो यहाँ भी ऊपर में भी फिर उसी का और भाग दिया हुआ है, जैसे वधु पर दिव्यागमन, दिव्यागमन देख रहे हैं, वधु प्रवेश, दिव्यागमन, ये सब दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग इस पेज पर देख लेंगे, इस सारणी में देख लेंगे और देख करके पुनः हम उस पेज पर जाते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहीं से शुरू करते हैं, वैशाख कृष्ण तिथि चतुर्थी माने अन्हारा में चतुर्थी तिथि को शुक्रवार दिन। तो हम लोग उस पेज पर जाएंगे और उस पेज पर जा करके उसका चर्चा करेंगे। आए हम लोग देखें वैशाख कृष्ण पक्ष, ये देख लिए हमारा तिथि था, जैसे आप लोगों को याद ही होगा, नहीं होगा तो पुनः मैं इसे आपको दिखा देता हूं। जैसे देखिए वधु प्रवेश, दिव्यागमन, गौना, तो हम लोग नीचे वाला पंक्ति लिए थे, नीचे लास्ट वाला लग्न, चतुर्थी शुक्रवार मूल नक्षत्र। हम लोग आए देखें चतुर्थी शुक्रवार, यानी चतुर्थी देखिए यहां है शुक्रवार मूल नक्षत्र वहां दिया हुआ है। इसका मतलब है शुक्रवार चतुर्थी को ज्येष्ठा नक्षत्र है, जो शाम को 4:33 पर, रात से रात समझिए, सात से सात समझिए, दिन से दिन समझिए, प्रा लिखा हो तो प्रातः समझिए, शाम को 4:33 पर समाप्त हो जाता है, यानी ज्येष्ठा समाप्त होता है, उसके बाद मूल प्रारंभ हो जाता है। यानी 4:33 के बाद मूल नक्षत्र तिथि प्रवेश करता है, इस तिथि के दिन जब मूल नक्षत्र चला आता है तो उसमें हम लोगों को दिव्यागमन मुहूर्त, गौना, वधु प्रवेश का विचार करना चाहिए। आगे और बातें लिखी होती है इसी पेज में, इसी पेज में यहां आ जाइए पंच अश्विने
विविध मुहूर्ता, इसमें देखिए चतुर्थी तिथि जो को हम खोजेंगे। जैसे देखिए चतुर्थी, देखिए तिथि चतुर्थी, शुक्र शुक्र ज्येष्ठायाम रिक्ता दोष, यानी चतुर्थी रिक्ता तिथि होता है, रिक्ता दोष होता है, रोग रिक्ता तिथि चार चतुर्थी नौमी और चतुर्दशी कहता है, रिक्ता दोष का भी प्रभाव थोड़ा सा है। रोग विमुक्त स्नान मुहूर्त इस दिन कह सकता है, मूले गजकृतम श्रीराम यहाँ वधु प्रवेश रात के 1:39 लग्न है, दिव्यागमन यानी दिव्यागमन जो है रात में 3:10 के उपरांत बाद किया जा सकता है, और वधु प्रवेश रात के 1:39 पर के उपरांत किया जा सकता है। इस तरह से हम लोग वधु प्रवेश का मुहूर्त, दिव्यागमन का मुहूर्त यानी गौना का मुहूर्त विचार पंचांग से करते हैं और इससे सीखते हैं। साथियों, वीडियो यदि अच्छा लगा हुआ हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।